हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेलर टेक्निक में। दोस्तों, 38 इंची चेस्ट सॉल लेफल टेक्स जो कोड का ये सेकंड पार्ट का मेरा वीडियो है। इसमें मैंने आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करके मैंने आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाला हमारा जो भी वीडियो होगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पर आप बने रहें, चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे और देखिए किनारे पीस छोड़ करके हम 1.5 इंची पे एक मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के ऊपर तक हम लाइनिंग खींच लेंगे और देखिए बैक पार्ट को हम कुछ इस तरह से बिछाएंगे। देखिए नीचे से 1.5 इंची छोड़कर कपड़े को हम बिछाएंगे और हमारा बैक पार्ट में जितने भी मार्किंग है वो सारा मार्किंग को हम कॉपी कर लेंगे। दोस्तों, फ्रंट पार्ट में हमें अलग से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमारा बैक पार्ट में जो भी मार्किंग है ये सारा मार्किंग को हम कॉपी कर लेंगे और इसी मार्किंग से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा मार्किंग हो चुका है, इसे हम सीधा लाइनिंग खींच लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा बैक पार्ट का सारा मार्किंग को हम कॉपी कर लिए हैं। अब देखिए हम चेस्ट का चौथा हिस्सा मेजरमेंट करेंगे, इससे 3/4 इंच माइनस करें निशान लगाए हम। और देखिए यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे, कितना आ रहा है मेरा, 1.25 इंची आ रहा है। यहाँ भी हम 1.25 इंची पे निशान लगाएंगे, स्केल से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर बीच में और एक निशान लगाएंगे हम, इस निशान को भी ऊपर तक हम स्केल से लाइनिंग खींच लेंगे। और ये निशान जो देख रहे हैं, इस निशान से 1/2 इंची ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और हम देखिए बैक को इस तरह से रखेंगे तख्ती को। देखिए हम फ्रंट पार्ट का तख्ती को 2 सू तक कम रखेंगे बैक पार्ट से और स्केल को कुछ इस तरह से हम बिछाएंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। अब देखिए हम नीचे तरफ आते हैं, हम फर्स्ट बटन का निशान लगाएंगे। हमारा देखिए इस निशान से ऊपर की तरफ यानी हमारा लंबाई का 3रा हिस्सा 1.5 इंची आ रहा है। देखिए 1.5 इंची पे ये मेरा फर्स्ट बटन का निशान मेरा लग चुका है। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट बटन है, अब हम सेकंड बटन का निशान लगाएंगे। इस निशान से हम 4 इंची ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, ये मेरा सेकंड बटन का निशान बनेगा। दोस्तों ये मेरा सेकंड बटन है, अब इस निशान से 3/4 इंची यानी 1/4 इंची पे और एक निशान लगाएंगे, जो यहाँ से मेरा लेफल टूटेगा। अब देखिए यहाँ से हम 1/4 इंची पे और एक निशान लगाएंगे और इस निशान से नीचे वाला निशान से हम देखिए इस तरह से दोनों निशान को मिला करके हम मार्किंग कर लेंगे ऊपर तक। देखिए ये मार्किंग हम ऊपर तक लेते हुए चले जाएंगे और देखिए आगे इसे भी ऊपर तक हम मार्किंग को कर लेंगे। देखिए ये हमारा मार्किंग हो चुका है। अब देखिए हम लेपल की चौड़ाई को नापेंगे हम। देखिए लेपल की चौड़ाई यहाँ पर हम 1.25 इंची पर देंगे और यहाँ 1.25 इंची पे लगाएंगे और यहाँ पे 1.25 इंची पे। अब देखिए स्केल से इसे हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। और राउंड स्केल से हम यहाँ से यहाँ का निशान लगाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे। तो दोस्तों सॉल लेफल का डिज़ाइन कई तरह का आता है, आप जैसे चाहे
अपने अंदाज से डिजाइन को बदल सकते हैं। हमारा लेफल का डिजाइन कुछ इस तरह से रहेगा। तो देखिए हमारा निशान लग चुका है। देखिए यहाँ से हम 4.5 से 5 इंची तक का ऊपर के ओर रखेंगे कपड़े को। तो देखिए ये मेरा लेवल का निशान मेरा लग चुका है। अब हम आर्म होल की तरफ आएंगे। देखिए थोड़ा सा मेरा निशान छूटा हुआ है ये। अब यहाँ से देखिए हम 2 इंची पे एक निशान लगाएंगे और देखिए इस तरह से ये दोनों मार्किंग को जो देख रहे हैं इस तरह स्केल को हम बिछाएंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब हम देखिए इस निशान से 1.5 इंची आगे की तरफ एक निशान लगाएंगे और देखिए आर्म होल का गोलाई कुछ इस तरह से हम लगा लेंगे। अब देखिए हम ऊपर पॉकेट का हम निशान लगाएंगे। देखिए इस मार्किंग से हम 1.5 इंची भी एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंची भी एक निशान लगाएंगे जो मेरा ये पॉकेट ओपन होगा। दोस्तों देखिए यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1/2 इंची पे और एक निशान लगाएंगे। देखिए इस निशान से 0.25 इंची ऊपर की तरफ और एक निशान लगाएंगे जो मेरा ये पॉकेट का वॉल लीड बनेगा। दोस्तों हमारा ऊपर पॉकेट का वॉल लीड 0.5 इंची का बनता है। तो दोस्तों ये मेरा पॉकेट का निशान लग चुका है। अब देखिए ये निशान जो देख रहे हैं आप यहाँ से हम हमारा चेस्ट का चौथाई हिस्सा का निशान लगाएंगे। हमारा चेस्ट का चौथाई हिस्सा 38 का चौथाई हिस्सा 9.5 इंची आ रहा है। देखिए 9.5 इंची पर निशान लगाएं। 9.5 इंची पे हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे और 9.5 इंची पे हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे। सीधा स्केल से हम इसे मार्किंग कर लेंगे और देखिए राउंड स्केल से हम ऊपर का मार्किंग करेंगे। दोस्तों ये मार्किंग मेरा लग चुका है। अब देखिए ये जो देख रहे हैं पॉकेट पॉकेट का बीच में एक निशान लगाएंगे। हमारा 4 इंची का पॉकेट है यानी 2 इंची पे एक निशान लगाएंगे हम और उस निशान इस निशान से हम यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे। सेम उतना पे यहाँ निशान लगा लेंगे हम और स्केल से हम डॉट का निशान लगाएंगे। ये मेरा डॉट स्टिचिंग होगा। यहाँ से 2 इंची पे देखिए यहाँ से हम 2 इंची नीचे तक का ही हम डॉट का स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए ये जो पॉकेट नीचे का पॉकेट हमारा लगेगा ये जो हमारा बटन देख रहे हैं इस बटन का बराबरी में ही मेरा पॉकेट बनेगा। ये डॉट जो देख रहे हैं डॉट से हम सामने की तरफ 0.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे जो मेरा पॉकेट यहाँ तक आएगा। दोस्तों हमारा पॉकेट का निशान लग चुका है। अब हम फ्लैप का निशान लगाएंगे। फ्लैप हमारा 2.25 इंची पे रहेगा। देखिए हमारा फ्लैप का निशान लग चुका है। दोस्तों एक चीज़ याद रहे हमारा फर्स्ट बटन जो है उसी का सेंटर से मेरा नीचे का पॉकेट रहता है। तो देखिए हमारा फ्लैप का भी निशान लग चुका है। फ्लैप हमारा गोल रहेगा एक साइड निशान लगा चुके हम। और अब देखिए हम बैक पार्ट को ले आए। बैक पार्ट को हम नाप लेंगे। हम देखिए मेरा नापा हुआ है पहले से। देखिए मार्जिन छोड़ करके ये मेरा 0.5 इंची आ रहा है। ये हम लिख चुके हैं पहले से। यहाँ पे हमारा देखिए मार्जिन छोड़ के 6 इंची आ रहा है। यहाँ पे मार्जिन छोड़ के हमारा 6.25 आ रहा है। तो ऐसे ये तो हम पहले से ही लिख चुके हैं और ये सारा हम फ्रंट पार्ट में भी हम लिख लेंगे।
जुमर मेजरमेंट करने में सहूलियत होगा। इसे हम लिख लिए। अब हम लूजिंग का मेजरमेंट करेंगे। लूजिंग हमारा देखिए 3.5 इंची पे देंगे। देखिए 3.5 इंची पे निशान यहाँ भी लगाएंगे हम, और यहाँ से 4.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। देखिए 7.5 इंची पे हम इंची टेप को पकड़ें, इंची टेप को देखिए इस मार्किंग पे हम इस तरह रखेंगे, और हमारा चेस्ट का हाफ मेरा 19 इंची आ रहा है, 38 का हाफ 19 इंची। देखिए 19 इंची पे हम निशान लगाएंगे। सेम उसी तरह देखिए ये मेरा 6 इंची है, 6 इंची को इस तरह से हम इंची टेप को पकड़ेंगे इस मार्किंग पे, और मेरा वेस्ट है 36 इंची, 36 का हाफ 18 इंची आ रहा है। देखिए 18 इंची पे हम निशान लगाएंगे। देखिए ये मेरा निशान लग चुका है, और मेरा हिप है 38 इंची। देखिए 6.25 इंची पे इस तरह से हम इंची टेप को पकड़ेंगे, और इस निशान से हम मिलाएंगे, और इंची टेप को कुछ इस तरह से ले जाएंगे, और देखिए मेरा 38 का हाफ 19 इंची पे मेरा निशान लग चुका है। अब हम स्केल से इसे मार्किंग कर लेंगे। स्केल को कुछ इस तरह से हम बिछाएंगे। मार्किंग को हम अच्छी तरह से कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा मार्किंग लग चुका है। अब देखिए यहाँ से हम 1/2 इंची पे एक निशान लगाएंगे, और ये निशान जो देख रहे हैं स्केल को कुछ इस तरह से हम रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे, और स्केल को पलट के हम इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इंची टेप को इस तरह रखेंगे, बीच में एक निशान लगाएंगे, और इसका बीच में और एक निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे इसको, और हमारा फ्रेंच कर्व इसके लिए है, इसके मदद से हम आर्म होल का निशान को इस तरह से हम लगा लेंगे। तो देखिए मेरा आर्म होल का निशान लग चुका है। अब देखिए हम नीचे तरफ आते हैं, हमारा दमन का निशान लगाना बाकी रह गया। देखिए इस निशान से हम 1.25 इंची नीचे तरफ एक निशान लगाएंगे। देखिए मेरा निशान लग चुका है, और स्केल से हम इसे मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों हमारा 1.25 इंची सामने की तरफ डाउन रहता है, हमारा आगे की तरफ आगे का पोजीशन। तो देखिए यहाँ से हम 2 इंची पे एक निशान लगाएंगे, और स्केल को कुछ इस तरह से हम रख लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों इसी मार्किंग पे मेरा कटिंग होगा। तो दोस्तों ये मेरा सारा मार्किंग लग के कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम मार्जिन रख के कटिंग करेंगे हम। देखिए अब हम सामने की कटिंग करेंगे, हम मार्जिन रख के कटिंग करेंगे 1/2 इंची। देखिए 1/2 इंची मार्जिन
दोस्तों देखिए, ये मेरा कोट का फ्रंट पार्ट का कटिंग देखिए सारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये मेरा सेकंड पार्ट का वीडियो है, इसमें मैंने आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करके दिखाया, और अब हम थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको स्लीव कटिंग करके मैंने आपको दिखाऊंगा।